हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड गुड विशेज फॉर यू। यू आर वेलकम्ड इन द डॉक्टर ऑनलाइन क्लास ऑफ डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी। आई एम रामचंद्र सिंह। आई विल टीच यू अबाउट बायोलॉजी फॉर क्लास 9th। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये 9th का क्लास का पहला बायोलॉजी का लेक्चर भेज रहा हूँ। सभी विद्यार्थी पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें। जब इसको बार बार देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। समझिए, आप मैं बता रहा हूँ सेल के बारे में, या कोशिका क्या चीज होती है। पहले तो ये है कि जो जीव विज्ञान विषय है उसके बारे में, क्योंकि पहली वीडियो है तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ क्या होता है जीव विज्ञान। जीवों का विज्ञान यानी कि जो जीवित हैं उनके बारे में जानकारी जीव विज्ञान कहलाता है या बायोलॉजी कहलाता है। तो इसके अंतर्गत जो भी जीवित चीज़ें हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। इसके जो जनक माने जाते हैं बायोलॉजी के, वो अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी की कई बहुत सारी ब्रांचें हैं। जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, कोशिका विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान, बहुत सारे इसके पार्ट हैं। अब हम यहाँ विशेष तौर पर अध्ययन आज ये करेंगे कि जीव आखिर बना किस चीज़ का होता है। जैसे हमारा कोई भी चीज़ छोटी छोटी यूनिट को लेकर बनी होती है। आप एक मकान को लें तो मकान के निर्माण में आपको ईंटें, सीमेंट, लोहा, बजरी आदि इनका प्रयोग होता है। तो इसी तरह से ये पूरी स्ट्रक्चर जैसे बनी हुई है, जो बॉडी है जीवों की वो भी छोटी छोटी यूनिट के मिलकर बनी होती है। देखिए, हमारा जैसे शरीर है, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हाथ है, पैर है, मुंह है, सिर है, आंखें, कान, बहुत सारे सिस्टम हैं। इनको और छोटे भाग करते चले जाएं तो ऊतक हो जाएंगे, और छोटा करें अंग हो जाएंगे। अंग पहले अंग, अंग के बाद ऊतक, ऊतक को और छोटा करें तो कोशिकाएं हो जाएंगी। तो हर जीव का शरीर कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। तो कोशिका क्या हो गई? जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक और आनुवंशिक इकाई होती है। संरचनात्मक क्यों है? क्योंकि इसी को सारी जो रचना हुई है बॉडी की वो कोशिकाओं को मिलाकर हुई, अनेक कोशिका मिली तो पूरी बॉडी बनी। कार्यात्मक क्योंकि जब ये सब मिलकर कार्य करती हैं तभी बॉडी का कोई कार्य होता है। सारी मिलकर कार्य करेंगी तभी बॉडी कार्य करेगी। तो कार्यात्मक हुआ है, जैसा पूरी बॉडी है तो पूरे फंक्शन या पूरे कार्य एक कोशिका में भी होते हैं। आनुवंशिक क्यों है? क्योंकि जब नया जीव जन्म लेता है तो एक कोशिका से उसका जन्म होता है। एक कोशिका होती है, जायगोट बोलते हैं। तो माता पिता के लक्षण भी कोशिकाओं द्वारा जाते हैं, तो ये आनुवंशिक इकाई भी होगी। एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में ले जाती है, इसलिए इसको आनुवंशिक इकाई भी कहेंगे। कोशिका सेल है। यदि हम रचना को आधार मानते हैं तो कोशिका दो टाइप में मानी जाती है, दो टाइप की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। दो टाइप में कोशिका है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है प्रिय विद्यार्थियों यूकैरियोटिक। अब इसको हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, कौन सी प्रोकैरियोटिक है, कौन सी यूकैरियोटिक है। जो कोशिकाएं
आरंभ में बनी, जब जीव की उत्पत्ति हुई आरंभ में ये कोशिका बनी और उनमें ज़्यादातर विकास नहीं हुए, वो कोशिका प्रोकैरियोटिक होती हैं, क्योंकि सबसे सरल कोशिका होती है, इनकी रचना सबसे सरल होती है, ये होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जो कोशिका उनसे विकसित हुई बाद में, जिनकी रचना जटिल होती है, वो यूकैरियोटिक होती हैं। तो मैं पहले आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बता रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की रचना कैसी होती है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे बाहर की ओर जो रचना होती है, इसको बोलते हैं हम सेल आवरण या सेल कैप्सूल। सबसे बाहर की ओर सेल कैप्सूल, ये म्यूसिलेज आदि का या कुछ जिलेटिनस पदार्थ का बना होता है, जो कि जल सोख कर चिकन ये लसदार हो जाता है, इसलिए ये फिसलने वाली कोशिश फिसलने जैसी क्षमता हो जाती है इसमें। दूसरी चीज इसके नीचे होती है सेल वाल, यानी कि कोशिका भित्ति। दूसरी होती है सेल वाल, कोशिका भित्ति, ये कि सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज पदार्थ होता है प्रकार का, कार्बोहाइड्रेट है, इससे ये सेल वाल बनती है। अब ये सेल वाल सब जीवों में नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक में होती है, यूकैरियोटिक की जो प्लांट सेल हैं पौधों की कोशिका उनमें होती है, या फंजाई में होती है, जंतु कोशिकाओं में ये सेल वाल नहीं होती। इसके अंदर होती है, सबसे अंदर की ओर होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। तो ये सबसे अंदर की पार्ट है कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली जो है ये बनी होती है प्रोटीन की, लिपोप्रोटीन इसका पदार्थ होता है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई ये सेल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड होती है। अब इसके अंदर यदि जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर अधिक नहीं होता, इसके अंदर एक तो होगा साइटोप्लाज्म भरा हुआ पूरे में, सारे में साइटोप्लाज्म भरा है। अब इसको साइटोप्लाज्म क्यों कहते हैं, इसका नाम है साइटो, साइटो माने कोशिका, कोशिका को हम साइटो बोलते हैं, इसके अंदर भरवा पदार्थ क्या कहलाएगा, पूरा साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म में एक होता है अनुवांशिक पदार्थ जो कि डीएनए होता है, ये डीएनए इसके अंदर होता है। तो इसमें दो प्रकार का डीएनए पाया जाता है, एक डीएनए, दो तरह का डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। ये वाला डीएनए आपका है, इसको बोलते हैं हम क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमो
सोमल। डीएनए यानी कि इससे क्रोमोसोम की रचना होती है, क्रोमोसोम बनते हैं, तो इसलिए इसको कहा क्रोमोसोमल डीएनए। एक होता है सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए यानी कि गोल डीएनए होता है, इसको प्लाज्मिड भी कहा जाता है, प्लाज्मिड। तो ये भी डीएनए है, तो दो तरह का डीएनए इसमें होता है, एक क्रोमोसोमल डीएनए, एक सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा और चीज क्या होती है इसमें, राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं जगह जगह राइबोसोम, ये रचना इसमें राइबोसोम होती है। राइबोसोम है, राइबोसोम भी इसमें 70S होते हैं, अभी आगे बाद में बताऊंगा कि 70S क्या होता है, 80S या 50S क्या होता है। 70S राइबोसोम इसके अंदर मिलते हैं। बाकी प्रोटोप्लाज्म मैंने बताया था कि ये सब साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म। अब इसमें जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है यानी कि झिल्लीदार उपांग है, वो इसमें नहीं होते हैं। तो अब श्वसन के लिए क्या होगा, इसमें श्वसन के लिए ये अंदर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है, तो ये रचना बना लेती है मीसोसोम। तो ये मीसोसोम, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जिससे ये सांस लेने का काम करती है, श्वसन की क्रिया करती है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते बल्कि मीसोसोम होते हैं। तो बहुत सरल रचना होती है किसकी, इस प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें बैक्टीरिया आते हैं, सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया सब प्रोकैरियोटिक होंगे, चाहे वो कोई सा बैक्टीरिया हो, साल्मोनेला टाइफी हो या विब्रियो कॉलेरी हो, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी टोटल किस में आएंगे, या मीथेन हो जानो, आर्किबैक्टीरिया में से कोई सा हो, थर्मो एसिडोफिलस हो, सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल कुछ सेल में, इनमें जरूरी नहीं कि सब में हो, कुछ में फ्लैजिला भी होता है, कुछ सेल में फ्लैजिला भी होता है, सब में होना जरूरी नहीं है, कुछ सेलों में फ्लैजिला भी होता है, फ्लैजिला। ऐसी भी सेल होती हैं जिनमें फ्लैजिला होता है। अब ये फ्लैजिला एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, ये अलग अलग स्थिति। यदि हम इस प्रोकैरियोटिक सेल में और आगे देखें, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल आप जो है, इसमें ये जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए किसी तरह की नेक्ड होता है, यानी कि किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता। ऐसे जो डीएनए है उसको हम न्यूक्लियोइड का संज्ञा देते हैं, न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियोइड रूप में, क्योंकि ये किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, और क्या है, ना ही इसके साथ कोई प्रोटीन आदि जुड़ी हुई है, ना प्रोटीन जुड़ी हुई है, ना किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। तो इस तरह ही आपका पूरा प्रोकैरियोटिक सेल हो जाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के बाद हम दूसरी सेल लेते हैं, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में ये सब चीज़ें जो इसमें अनुपस्थित हैं वो मिलेंगी। इसमें एक चीज़ और है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल नहीं, यानी कि झिल्ली युक्त उपांग नहीं है। ये खास रचना है कि झिल्ली युक्त उपांग इसमें कोई नहीं, झिल्ली युक्त उपांग क्या आएंगे, वो इसमें आएंगे यूकैरियोटिक में, इसमें कोई झिल्ली वाला उपांग नहीं। अब हम यूकैरियोटिक सेल को लें, तो एक यूकैरियोटिक सेल किस तरह की होती है,
तो यूकैरियोटिक सेल को यहाँ पर आप देखिए, यूकैरियोटिक सेल अब जितने बड़े जीव होते हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। कोई भी यूकैरियोटिक सेल, अब यूकैरियोटिक सेल जो है ये जंतु में भी होगी, पौधों में भी होगी, जंतु सेल भी हो सकती है और पौधे की सेल भी हो सकती है। तो मैं इसमें हाथ बात बता रहा हूँ कि जंतु सेल में क्या, पौधों की सेल में क्या होगा, एक यूकैरियोटिक सेल की रचना। तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें बाहर की तरफ, यदि प्लांट सेल है, पौधे की कोशिका है, तो सबसे बाहर की ओर होगा इसमें सेल वॉल। सबसे बाहर सेल वॉल, सबसे बाहर की ओर से रचना है वो सेल वाल है। और ये सेल वाल केवल या तो प्लांट सेल में होगी, पौधों की कोशिका में, फंजाई की कोशिका में भी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज। जो सेल वाल है किसमें बताई मैंने आपको, एक पादप कोशिका में या पौधे की कोशिका में, जिसको प्लांट सेल बोलते हैं, उसमें ये क्या होती है, सेल वाल होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वाल होती है उसके। और यदि जंतु कोशिका है तो उसमें ये सेल वाल नहीं होगी, उसमें केवल अंदर की मेम्ब्रेन होगी। इससे अंदर की ओर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर की ओर आप देखेंगे तो इसके एक मेम्ब्रेन है, इसको बोलेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जंतु कोशिकाओं के लिए सबसे बाहर की मेम्ब्रेन हो जाएगी और पौधों के लिए सेल वाल से अंदर की मेम्ब्रेन। ये आपकी हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली होती है ये न्यूक्लियो, इसके बिल्कुल लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होगी, ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन होती है, हर सेल में होती है, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। अब यहीं पर इसमें जो सेल वाल बन रही थी वो सेल्यूलोज की थी, ध्यान दीजिए। यदि ये फंजाई की सेल होगी तो ये सेल वाल इसके बजाय काइटिन की बनी होगी, सेल्यूलोज के बजाय काइटिन की होगी। अब यहाँ अंदर की रचना को देखें, अब इसके अंदर जो भी पदार्थ है वो सब साइटोप्लाज्म। एक सेल में टिपिकल सेल को लेते हैं हम, तो यदि ये प्लांट सेल होगी तो इसमें अधिकांश भाग एक खाली जगह घेर लेती है, वैक्यूल होती है, अधिकांश भाग में वैक्यूल होगी यदि ये प्लांट सेल है। तब पहले वैक्यूल छोटी बनती हैं, बाद में धीरे धीरे मिल करके
बड़ी हो जाती है। ज़्यादातर भाग को ये घेर लेती है और साइटोप्लाज्म जो होता है वो किनारे किनारे रह जाता है। लेकिन यदि ये जंतु कोशिका है तब इसके अंदर जंतु कोशिका होगी तो ये वैक्यूल नहीं होगी, उस स्थिति में वैक्यूल नहीं आएगी। तो जंतु कोशिका में यदि इसको हम देखें तो जंतु कोशिका में ये सारा स्थान जितना प्लेस है एक जंतु सेल बना देता हूँ तो ये सारी बाहर मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर का कोई वैक्यूल इसमें नहीं होगी। अब इसमें इसके बाद इसमें भरा होता है वैक्यूल में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जल होता है, गैसें होती हैं। इसके बाहर की जो ये झिल्ली है ये टोनोप्लास्ट कहलाती है, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के बाहर टोनोप्लास्ट, अंदर का पदार्थ ये भरा हुआ, इसमें कोई वैक्यूल नहीं है। आता है न्यूक्लियस, पौधों की कोशिका में न्यूक्लियस एक साइड में होगा बड़ा सा, एक साइड में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, यानी कि एक साइड में केंद्रक है इसके न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो जाता है। और यदि ये जंतु सेल है तो न्यूक्लियस बीच में होगा, न्यूक्लियस होगा लगभग बीच में। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, और इसका किनारे पर न्यूक्लियस होता है। दोनों सेलों में चल रहा है, ये जंतु सेल है तो बीच में होगा, वनस्पति सेल है तो एक साइड में होगा। न्यूक्लियस का काम होता है पूरी सेल के कार्यों को कंट्रोल करना, पूरी सेल के कार्यों को ये कंट्रोल करेगा। दूसरी, इसके बाद यदि ये प्लांट सेल है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें प्लास्टिड जरूरी होंगे, क्या होंगे, प्लास्टिड। इसमें कहीं कहीं पर क्या होंगे, ये प्लास्टिड होंगे, और प्लास्टिड हमेशा इसमें नहीं होंगे, जंतु सेल में प्लास्टिड नहीं होंगे, क्योंकि ये भोजन बनाने का काम नहीं करती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्रकार की सेल में होंगे, चाहे वो जंतु सेल हो या वनस्पति सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया सभी में होंगे। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं सांस लेने का, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लवक है इसमें प्लास्टिड, जो कि भोजन बनाने का काम करते हैं। इसमें लवक नहीं होता है, ये भोजन बनाता ही नहीं है। गॉल्जी बॉडी होते हैं,
तो गॉल्जी बॉडी दोनों प्रकार की सेल में होंगे, इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। गॉल्जी बॉडी दोनों तरह की सेल में पाए जाएंगे, इसमें भी गॉल्जी बॉडी है, इसमें भी गॉल्जी बॉडी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो रफ या फिर स्मूथ। रफ है तो इनके ऊपर राइबोसोम चिपके होंगे, और स्मूथ है तो इनके ऊपर राइबोसोम नहीं होंगे। अब एक रचना होती है राइबोसोम, राइबोसोम इन सेलों में 70-80S होते हैं, दोनों में राइबोसोम है, 80S राइबोसोम होते हैं, चाहे वो इसमें हो या इसमें हो, 80S राइबोसोम। सेंट्रोसोम ज़्यादातर इनमें होते हैं, इसके पास होता है ये न्यूक्लियस के पास एक रचना सेंट्रोसोम, अधिकांश इन सेलों में पैदा, एनिमल सेल में इसमें कमी से पैदा हो सकता है, किसी में जरूर नहीं है। लाइसोसोम होते हैं, छोटी छोटी रचना है लाइसोसोम, वो दोनों प्रकार के सेल में होंगे, ज़्यादातर एनिमल सेल में ज़्यादातर होंगी लाइसोसोम। इनमें एंजाइम होते हैं, इनको कहा जाता है आत्महत्या के थैले, ये होते हैं। राइबोसोम मैंने बताया कि राइबोसोम दोनों में है, इसमें राइबोसोम और इसमें राइबोसोम 80S हैं, और प्रोकैरियोटिक में 70S आए थे राइबोसोम। तो इस प्रकार से अनेक रचनाएं हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, ये सारी रचनाएं इनमें होती हैं। ये है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जो मैंने बताया था इसमें नहीं होते, इसमें कोई भी झिल्ली युक्त उपांग नहीं है, इसमें झिल्ली युक्त उपांग ये सभी हैं। तो यहाँ इस तरह से हमारा दोनों का एक डिफरेंस भी आ जाता है, इसका प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक में रचना मैंने बताया, यूकैरियोटिक कितना बताया, कौन सी किस्में होती है कौन सी किस्में नहीं होती, ये दोनों डिफरेंस इसमें आ जाते हैं। ये सेल जंतु सेल और वनस्पति सेल का भी पता चल गया। एक बार थोड़ा सा ही ध्यान दें, इसमें जो सेलों का हमारा आकार तो मैंने इनका साइज लें तो साइज देखा जाएगा, तो सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा, जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग का अंडा माना जाता है, और आकृतियाँ इनकी देखते हैं हम तो कोई गोल हैं, कोई लंबी होती हैं, कोई आपस में ग्रुप में है, कोई कॉम आकार होती हैं। इस तरह से अनेक आकृतियों में कोशिकाएं मिलती हैं, चाहे वो, अब ज़्यादातर जो आकार हैं वो भिन्न भिन्न आकार प्रोकैरियोटिक के ज़्यादा मिलती हैं। इनमें आकार की भिन्नता बहुत ज़्यादा है, इनमें आकार की भिन्नता है, बहुत तरह की मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मैंने आपको बताया, ध्यान आया होगा आपको, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस, दोनों चीज़ इसमें आ गई, डिफरेंस भी आया, और जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका वो भी इसमें आ गई। कुछ थोड़ा फंजाई सेल का बताया, आकृति बताई, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो ये इस तरह से आपका आ जाता है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में यहीं तक पढ़ाते हैं, अगले वीडियो में मैं आपको इसमें जो इसके अदर अन्य जिसके अंगक हैं, बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं जो मैंने शॉर्ट में बताए हैं, इन ऑर्गेनेल्स को विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ सामान्य जानकारी देनी थी, सामान्य जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, बाकी जो विस्तृत जानकारी है सेल की वो अगली वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए ध्यान देना कि प्रतिदिन, मतलब कम से कम एक बार, दो बार नहीं तीन बार, जब तक समझ में ना आए जब तक आप वीडियो को देखें। इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसके PDF है, तो PDF आपको भेज दी जाएगी, PDF से आप क्वेश्चनों को इसके देख लेंगे, छोटे बड़े को सभी क्वेश्चन होंगे उनको भी देखेंगे, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।